और छोरो के हाल। तो आप सभी का स्वागत है बैड वॉर्स के एक और खतरनाक एपिसोड में। तो गाइस वेल, आज अपन अमन की क्लैन के अगेंस्ट में भैया क्लैन वॉर्स करने वाले हैं, क्योंकि मेरे को उसकी क्लैन लॉस्ट गार्डन की तरफ से भैया इनविटेशन आया कि ब्रदर आजा क्लैन वॉर्स करते हैं। अब भाई मैं भी काफी एक्साइटेड, क्योंकि ये मेरी पहली क्लैन वॉर है, ठीक है। बट उसके साथ ही मैं थोड़ा सा चिंतित भी हूँ, क्योंकि ये भैया मेरी पहली क्लैन वॉर इंडिया की सबसे पावरफुल क्लैन के अगेंस्ट में है, ठीक है। मतलब तुम आइडिया भी नहीं लगा सकते मैं कितना ज्यादा इस टाइम चिंतित हूँ। बट जो भी हो, मैं ये बात कन्फर्म, भैया पहली क्लैन वॉर, इसमें मजा काफी आएगा, ठीक है। एंड उसके अलावा मैं तुम्हें फटाफट से रूल समझा देता हूँ। नो रन्स, नो जी क्यूब, नो की, नो डायमंड, नो एम्ब्रल। उसके अलावा जितने भी प्रिविलेज है तुम सारी यूज कर सकते हो। बट मतलब तुम्हारा भाई ओपी बंदा है ना, मैं पूरे ही प्रिविलेज यूज करना भूल गया मैंने सिर्फ फायर प्रिविलेज यूज किया, बाकी सारे मतलब तुम देख लो वीडियो में क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। बट फिलहाल के लिए आप सभी का कीमती वक्त ज्यादा बर्बाद न करते हुए चलो वीडियो प्रारंभ करते हैं। भाई साहब तुम लोग है ना मेरी एक्साइटमेंट लेवल का ना कतई अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट क्लैन वॉर है और भैया पहला ही वॉर अमन की क्लैन के अगेंस्ट में। भाई साहब मतलब बंदे तगड़े होंगे ये तो कंफर्म है, ठीक है। बट मैंने भी कमजोर बंदे ना चुने, ठीक है, मैंने भी अच्छे अच्छे तगड़े तगड़े बंदे चूज किए हैं। एंड गाइस प्रिविलेज ऑन कर सकते हैं अपन। वेट, वाह, मेरे को ये लॉबी में करना चाहिए था एक्चुअली, है ना। ग्रेट, अब मेरे पास सिर्फ फायर का प्रिविलेज है, नथिंग एल्स। बहुत अच्छे, मेरे पास गोल्ड वगैरह। ग्रेट एटॉमिक्स, ठीक है। मैं पहले आर्मर लूंगा गाइस, है ना, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा हूँ, है ना, एवरीवन नोस। बिल्कुल मैं कुत्तों की तरह पीटा जाऊंगा। वेल एक्चुअली मैं आगे जाके तुम लोगों को डिफेंड करता हूँ, ठीक है। इससे पहले कोई आकर यहाँ पे बैड वगैरह तोड़ा ताड़ी करे, ब्रदर ये बुर्ज खलीफा बनाने की कोई आवश्यकता ना है, तू सीधा आकर भी फाइट कर सकता था। वेल इट्स योर चॉइस ब्रो, हम क्या कर सकते हैं ना। सॉरी सर बट यू हैव टू डाई। सामान लाया कुछ नहीं ब्रदर, ये तो तूने कहते मतलब जी दुखा दिया हमारा, है ना। हम सोचे तू गिफ्ट लाएगा बट ओह डैम, चल ठीक है कोई बात नहीं, है ना, मे बी सम टाइम लेटर, कोई ना, ठीक है तू ले आया ना। बट वेल आर्मर के नाम पर कछु नहीं है मेरे पास, कुछ तो लेना पड़ेगा मेरे यार, वो ले लेता तो अच्छा रहता है ना। ठीक है मैं अभी के लिए अपना गोल्ड आर्मर कंप्लीट करूंगा, देन मैं रश करूंगा इनके ऊपर, ठीक है। एंड एक्चुअली मैं कर सकता हूँ ना, ये लोग संभाल लेंगे, वैसे तो कोई दिक्कत की बात है ना है। और हाँ रन अलाउ नहीं है, वेल ये चीज़ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो मेरे को थोड़ा तरीके से जाना पड़ेगा, मेन बात यू है जो बताने वाली है, ठीक है। एंड मैं वहाँ जाकर करूँगा क्या, मतलब कुछ कुधाड़ी वगैरह कुछ भी ना है मेरे पास भाई। ओह ग्रेट गाइस मैं वापस आ चुका हूँ, मुझे पता है तुम लोग यही सोच रहे होंगे कैसा नल्ला है वापस बार बार घूम घूम के आ रहा है। बट हाँ मेरे को मतलब एक कुधार चाहिए, ठीक है, ताकि मैं उन पर प्रहार कर सकूँ। नाइस राइमिंग बाय द वे, है ना, कुधार प्रहार मतलब गेट नो। ओके कोई बात नहीं, मैंने सोचा मतलब ठीक है कोई बात नहीं, है ना। ऑलराइट तो अब मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ से अपन सीयर ले लेते हैं, है ना, कहीं का शेयर कैंची है बट सीयर, हाँ बिल्कुल। ऑलराइट गाइस, ऑलराइट मैं आ रहा हूँ तुम्हारे ऊपर युद्ध लड़ने मतलब हमला करने, है ना। मतलब भाई मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, नहीं डर गया भाई थोड़ी देर के लिए, पौने पाँच सेकंड के लिए, बट ठीक है ऑलराइट। हाय डीजे ब्राबो नहीं लग जाएगी, हम कह ही रहे थे लग जाएगी यार, मान नहीं रहा था वो मेरी। बट एटलीस्ट मेरे पास सीयर अभी भी है। एंड ये बैटल भैया ईजी तो कतई नहीं होने वाला, क्योंकि थैंक यू ब्रदर, क्योंकि 1v1 ईजी होता है। बट ये कौन आ रहा है यार, ये तो ये तुम घूम घूम के यहाँ क्यों आ रहे हो मुझे तो। वेल कोई ना, ठीक है मतलब बिल्कुल ऑलराइट। तो वेल मेरे को देखो अपोजिट टीम में ना सही कहूँ तो किसी से डर नहीं लग रहा, लिटरली कहूँ किसी से नहीं लग रहा, ठीक है। बट बस यार देखो मतलब ईजी ना, ये नॉर्मल लोग भी होती है वो नहीं है, ठीक है, तो थोड़ा तरीके से जाना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं उठा के सुअरों की तरह चल दिया, नहीं वो नहीं होगा, ठीक है। हाँ वो नहीं करूँगा मैं बिल्कुल। तो एक बार आओ, कोई आ रहा है, आओ। ओ ओ फुल तैयारी, हाँ शिया जिंदगी कसम से समझ में नहीं आ रहा यार, ये मून वॉक काहे कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अरे आ जाओ लाला भाई, क्या इतनी कितने फटू हैं यार ये लोग, अबे मरोगे तो रिस्पॉन हो जाओगे, बैट नहीं टूटा अभी तुम्हारा, इतने डरपोक। अबे वाई ओके कोई बात नहीं, तुम लोग लगे रह सकते हो ना, अबे आजा
वेल मेरे को एक सोर्ड तो ले लेने दो एटलीस्ट। तुम दोनों संभालो, मुझे पता है तुम लोग संभाल लोगे, है ना। तब तक मैं एक सोर्ड बाय कर लेता हूँ। एक्चुअली इनके मरने से पहले मुझे जाना पड़ेगा, अदरवाइज ओ ओ लेट मी गो। ओ धोया जा रहा है भयंकर। ओ हो भाई यार ये लोग तो चीटिंग पर आ गए यार, हैं। मैंने मना किया था कि एमरल नहीं अलाउ है, बट वेल मेरे हिसाब से उसने बाय मिस्टेक उठा लिया होगा। ठीक है कोई बात नहीं, इसको मैं अभी के लिए यहाँ संभाल के रख देता हूँ। अगर मतलब उसने यूज़ किया तो हम भी कर सकते हैं बेटे, अलाउ नहीं है यूज़ करना, ठीक है। बट फिर भी क्या हर्जर जा रहा है ना, बिल्कुल। ऑलराइट तो मैं अपने लिए आर्मर बाय कर लेता हूँ फाइनली, जी हाँ। और अब मैं रेडी हूँ जाने के लिए, ठीक है। हाँ मतलब ये सही है स्ट्रेटेजी, ठीक है, कि एक टीम जाएगी डिफेंस पे और एक टीम जाएगी अटैक पर। मतलब हम दोनों डिफेंस पे और अटैक पे हैं। एंड एक मर्द नवाज रहेंदस, नवाज सीधा आ जाने, इतने इतने चौसले का है कर रहा मेरे। बैल बैल बैल, ओ रुक जा, ओ ताऊ, अरे यार तोड़ दिया, मर तो मैं। नहीं नहीं दैट्स नॉट गुड एक्चुअली, है ना, दैट्स एक्चुअली नॉट गुड। अरे क्या क्यों ऐसे कैसे तोड़ लिया बैट? खैर कोई ना, मैं हूँ तो अब चलो तुम भी, हम भी बैट तोड़ के आएंगे उन लोगों का। हाँ ओके नवाज तू कंटिन्यू रख, मैं जा रहा हूँ ना बैट तोड़ने। तेरा पीछे आ गया कबूतर जी, कोई ना, क्लैन वॉर अकेले से थोड़ी जीती जाती है। मैं देख रहा हूँ ये लोग भी कर रहे हैं कुछ तो, है ना, ये लोग भी प्रयास कर रहे हैं। ओके यहाँ पर बढ़िया चल रहा है, वैसे मैंने दो किल किए हैं भाई, तभी बता दूँ, है ना। हाँ और ये खुद टपक के मर गया, ओ आओ मेरी कैटेगरी का बनता था ये, जो भी गिरा, ठीक है। इतनी प्रोनेस तो भैया कुछ कुछ ही लोगों में पाई जाती है, ठीक है कोई बात नहीं। ओके तो ठीक है, ये लोंडा नहीं है इतना ज़्यादा, इस पर ज़्यादा मुझे फोकस करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। एंड ब्रदर तुझे आना चाहिए था फाइट करने, बट ओके कोई बात नहीं, तू नहीं आया तो लीव इट, है ना। हाँ एंड यहाँ पर मेरे को भाई कसम से कुछ गड़बड़ लग रही है, ठीक है। तो मैं देखो ये वाला मैच तो हम हार गए, बट यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई, ठीक है। गड़बड़ ये हुई कि हमारे सामने वाली टीम ने भैया ऑब्सीडियन यूज़ कर लिया, ठीक है। उनका जो बैड डिफेंस था ना अंदर से, वो ऑब्सीडियन का था। जब मैं अभी बोच कर रहा था तब मुझे पता चला, बट फिर भी मेरे लोंडो ने बैड डिफेंस तोड़ दिया। बट यार ऑब्सीडियन था तो टाइम लग गया और उस वजह से थोड़ी गड़बड़, बट ठीक है फिर भी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। बट अभी के लिए मैं अपने आप को पहले ही प्रिपेयर करूँगा, तब यहाँ से पहले, उससे पहले मैं हिलूँगा नहीं यहाँ से, ठीक है। एंड अब मैं जा रहा हूँ और जाकर सीधा ही रश करूँगा उन लोगों पर। वैसे भी हमारा बैड डिफेंस तो भाई साहब बुज खलीफा बना दिया। ग्रेट जॉब गाइस, ग्रेट जॉब। एंड भैया एम्ब्रल एंड डायमंड कलेक्ट नहीं करनी है, बट ये लोग चलो ठीक है, मेरे बंदे तो नहीं कर रहे, है ना। तो ओके लेट्स गो, कीप गोइंग गाइस, कीप गोइंग। वेल एक्चुअली वो ओके स्टोन है, नॉट बिग डील, ठीक है। मैंने एटॉमिक स्टॉप ब्रिज क्या, क्यों मतलब ब्रिज नहीं करना, ओके तो कहेगा तो ठीक है। वेल अब तुम कह रहे हो ब्रो तो हम ब्रिजिंग वगैरह कुछ नहीं करेंगे, हम बेस पर आकर बैठ जाएंगे, है ना। एंड उसके अलावा एक काम कर लेता हूँ, मैं ये चीज़ें अंडर कर लेता हूँ, गलती से ये यूज़ नहीं होनी चाहिए। मैं अपनी तरफ से भाई कोई भी बीमारी नहीं करूँगा, ठीक है। बाकियों का मुझे नहीं पता, बट अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूँगा। और मुझे पता है तुम लोग यही सोच रहे होगे भैया वहाँ 3 और तुम्हारी तरफ 4, ऐसा क्यों? वेल मुझे नहीं पता, ठीक है। उनकी टीम का बंदा निकल गया और उनकी क्लैन में रात में कोई जग ही नहीं रहा। ओके अपनी क्लैन जैसी थोड़ी है उनके क्लैन यार, अपनी तो चमगादड़ों की क्लैन है भाई, सवत्ते रात भर जगह रहते हैं। भाई उनका चीफ ही ऐसा है तो मेंबर्स तो ऑलरेडी ऐसे होंगे ना, मतलब भाई या वाई नॉट, है ना, ठीक है। हाँ किसको मरना है मेरे हाथों से तो मेरे सामने आओ। और तूने तूने रश भी कर दिया ब्रो, मुझे बता तो देता कम से कम, ठीक है। मैं एक उधार ले लेता हूँ क्योंकि एटलीस्ट उस समय बैट तोड़ पाऊँगा। हाँ मतलब कुछ तो हो यार पास में बैट वगैरह ब्रेक करने के लिए, है ना। दैट्स इट, गिरना दियो, गिरानी एटलीस्ट गिरा नहीं। हाँ भाई आई एम हियर नवाज फॉर रीमैच। भाई ये क्या बात होती है, एक एक करके आओ ना बेईमान, एक एक करके थोड़ी आएंगे भैया, वो अपना बैड डिफेंस करेंगे, उनको ऑब्वियसली बात है, ठीक है। मेरे को भाई देखो मेरी आदत है, ठीक है, स्ट्रेट रस करने की, मुझे वो कंट्रोल में लेनी पड़ेगी सबसे पहले तो, नहीं तो मतलब ओ या तुमने सही समझा, वही होगा बिल्कुल, है ना। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, ये ले लेते हैं, देन ये ले लेते हैं, देन एक फर्जी सोर्ड ले लेते हैं, पता नहीं काम क्या आएगी, बट फिर भी ले ले, है ना। एंड गाइज वी हैव टू विन दिस मैच एनी कंडीशन पे, ठीक है। सीरियसली ना भाई क्या हो रहा भाई, ऐसी टाइम पर ये ना से नहीं होने चाहिए मेरे साथ यार।
अब मुझे पता है तुम लोग ये कहोगे भाई तू बहाने मार रहा, बट मैं कसम से बहाने नहीं मार रहा, ठीक है। मेरा अभी अभी रिकॉर्ड और मैं भैया रिकॉर्डिंग ही नहीं करूंगा तो ये मतलब टूर्नामेंट ऑफ पावर करने का सेंस नहीं बनता, ठीक है। तो जैसे ही मैं रिकॉर्डिंग ऑन करने गया, मैं तो अपनी फोर्ज में बैठा हुआ था जैसा तुमने देखा, ठीक है। अब पता नहीं कौन जा कौन नवाज ऑब्वियसली, और कौन होगा। एक तो मेरे पैसे नहीं दे रहा, ऊपर से ये नशे और कर रहा है, बहुत ही सही भाई मैं कह रहा हूँ, ठीक है। जो ये क्लैन वॉर हो रही है ना, ये बहुत ही मनुष्य घड़ी में हो रही है। नहीं कसम से यार, एक तो ना इनकी वजह से मेरे को बहुत जल्दी आना पड़ा, क्योंकि ये लोग भाई मेरी तरह इतनी लेट नाइट नहीं कर सकते। पता नहीं क्यों, मतलब लॉकडाउन में भैया क्या काम है तुम लोगों को, आराम से सो ना। बट बहुत सही है भाई साहब, लोंडा खेल गया भाई कसम से। लास्ट टाइम भी इन लोगों का बैट तोड़ दिया था, इनका एक बंदा कूट दिया था, तीन बचे थे, बट फिर भी मेरा लोंडे को हो गई थोड़े बहुत सीन, ठीक है। बट अभी भी मेरे लोंडे ने सही खेल गया, नाइस लोंडे नाइस, बस इनको कूट गाल, अपनी टीम जीत जाएगी और तो का सुना है, ठीक है। वेल ब्रो मेरे हिसाब से तुम कर दोगे, ठीक है, मुझे बिलीव है तुम पर, है ना। तुझे ब्रदर क्लच करना पड़ेगा, घनी काली जबान है मेरी भाई कसम से। जी हाँ जी हाँ बिल्कुल, बट फिर भी मेरे हिसाब से ये लोंडा फिर भी निकाल देगा, क्लच कर पाएगा। हाँ लेट्स सी होता है या नहीं ब्रो, ऑब्वियसली नॉट। वेल देखो मुझे पता है उस लोंडे ने भैया क्लच नहीं किया, बट फिर भी उसने काफी अच्छा किया, ठीक है। एंड ये आ चुका है भैया वन ऑफ द बेस्ट मैच, जिसके अंदर भाई तुम लोग इजिली तो नहीं तोड़ उसके बैट को, ठीक है। हाँ चारों तरफ से खतरनाक तरीके से मिल जाता है, और आयरन ये ले ले, मुझे क्या पता, ठीक है, वो पड़ा उठा ले, मांग भी रहा है और ले भी नहीं रहा, मतलब भाई इसे इसी को गजब ही आपड़ापन है यार ये, हैं मतलब चाहिए भी और लेगा भी नहीं, मतलब ये तो बड़ी बात होगी कि मैं चाहिए मुझे, मतलब हाँ मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, लीव इट, है ना, ठीक है। तो मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ, मतलब दो तो हार चुके हैं, मतलब ऑलरेडी ये मैच अपन मतलब ये क्लैन वॉर अपन हार गए, बट फिर भी लेट्स डू इट, ठीक है। बट भाई देखो दूसरे मैच में मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, ठीक है। मैं भाई मेरा रिकॉर्डर ऑन करने गया और पीछे से मेरे संग ये कांड हो गए, मुझे नहीं पता, ठीक है। पर कोई बात नहीं, मतलब चलता है, नेक्स्ट टाइम इसका अपन ध्यान रखेंगे, है ना। ओके तो तुम लोगों ने हमला बोल भी दिया, हाँ, और मुझे बोल रहे हो कि रुक जा, ये बहुत गंदी बात है यार। ऋषु कूट गया नाइस के भाई दुबई। ओके मैं ये ले लेता हूँ, देन अपने लिए आर्मर बाय कर लेते हैं, इवन आई डोंट नीड इट, क्योंकि मैं तो मरने ही वाला हूँ, बट फिर भी मरेंगे, बट इस ट्रायल में मरेंगे, राइट। तो एक काम और कर लेते हैं, कंप्लीट आर्मर, देन लेट्स गो। पता नहीं इतने ब्लॉक मैंने क्यों लिए, कसम से मेरे को कोई आइडिया नहीं है, बट एक्चुअली घर चलते हैं और एक दो और लेकर, मतलब कुछ कैंची छूरा करछी वगैरह कुछ मिल जाए तो अच्छा, वैसे तो मेरे को पता है मैं नहीं तोड़ पाऊंगा, बट एटलीस्ट आई ट्राई, ठीक है। हाँ ट्राई करने में तो कुछ हर्ज नहीं है ना, बिल्कुल। एंड ये आ गया सामने से कबूतर उड़ता हुआ, वेट कर ले। ओ डीजे डीजे बाबू आना डीजे वाले बाबू पक्का है रहे हो, अरे ब्रोदर ऐसे कौन करता भैया, अबे मेरे पास, हाँ वेल मतलब लगा तो था मुझे, मैं भाई वो जा रहा था ना, मैंने सोचा वो भाग रहा है, ठीक है, उसकी बैग पकड़ लूंगा, बट ग्रेट ग्रेट, मैं मतलब मेरी आदत हमेशा ही ऐसी रहेगी, मैं क्या कर सकता हूँ। डीजे मता, डीजे वाले बाबू मता, मना कर रखिए ना, आपसे बताओ हैं सुधर नहीं रहे, ब्रो कूद जा, फायर लग रही है, किल तो मुन्नू भी मिलनी है, आई टोल्ड यू ऑलरेडी, आओ नहीं मिली ये, चल ठीक है, एटलीस्ट मेरी टीम को किल मिली है, ठीक है। ओ ग्रेट, उनका बैट टूट चुका है, यानी अब जाकर जस्ट उनको कूटना है, राइट। वेल आई एम रेडी फॉर दिस, है ना, आई एम रेडी फॉर दिस, ठीक है। मैं आ रहा हूँ, ठीक है, ब्लॉक्स ले लेता हूँ, और इससे पहले कोई आके कूट दे मैं तैयार हो लेता हूँ। वेल क्या कर रहा है ये मैं ओके मैं मतलब क्यों ये मेरे को राउंड बनाना भाई, ओके लेट्स गो एंड किल देम, इजी है ना हाँ ये वाला मैच अपन जीत गए। देखो ये क्लैन वॉर इक्वल था, ठीक है, मैं भी जीत सकता था या हमारी क्लैन भी जीत सकती थी, बट भाई मेरे साथ हो ये नशे, ठीक है, मैं क्या करूँ, इसके पार में नहीं दे सकता एक्चुअली, और जस्ट सिंपली डू दिस। रिशु नहीं, रिशु पापी इंसान मर ले, नवाज तू ना सुधरेगा, राइट, पीछे से उंगली करने की तेरी आदत नहीं जाएगी। ओके
डिफेंड आर बेड। अरे डोंट वरी ब्रादर, डोंट वरी, ऐसा कैसे तोड़ लेने देंगे बेड को, अब तो बेड डिफेंस रहेगा पूरा पूरा, ठीक है। वेल चलो तलवार और छुरा चक्कू लेके, क्योंकि मेरे को पूरा उम्मीद है कि अपन कुछ कर पाएंगे, झंडे गाड़ेंगे अपन, हाँ मेरे को बिलीव है, ठीक है। एंड मेरे अगेंस्ट में मेरे को नहीं लग रहा वो कुछ ज़्यादा कर पाएंगे, यानी देखो लास्ट अगर मैच में मेरे संग वो, सीरियसली ओके, ये चेका चाकी छोड़ देना बाज, सीधा मैदान में आ, ना तोड़ने दूंगा भाई बेड तेरे को, कहाँ सोच के बैठा है तू कि ऐसे तोड़ लेने दूंगा, मरेगा तू नवाज, क्या सोच के आया तू यहाँ पर, ये बता मेरे को सबसे पहले तो, नहीं कैसे आ लेगा तू यहाँ, वेट कर ले, तुझे मारना पड़ेगा। दूसरा राउंड अगर काउंट ना किया जाए ना, क्योंकि उसमें मेरे संग भाई नाइंसाफी हुई है, ठीक है, मैं मतलब था नहीं उस टाइम, मैं अपना रिकॉर्डर ऑन करने गया था, नवाज को मुझे मारे दो, इसको मैं मरा या नहीं मरा वो ना, ओके दो किल यानी मेरे हाथों से कूट गया नवाज, बहुत सही, ये होना चाहिए था एक्चुअली, है ना। वेल एक एक किला हम सबकी बहुत अच्छी, मेरे को काफ़ी मज़ा आया एक्चुअली, है ना, सही कहूँ तो। एंड मेरे हिसाब से तुम सभी को भी बहुत मज़ा आया होगा, वेल उम्मीद है तुम सभी को आया होगा, अगर आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना भैया कहीं नहीं जाओगे तुम, ठीक है। एंड मिलते हैं जल्दी करूँगी एपिसोड में, तब तक के लिए गुड नाइट।